गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने जो चैप्टर धर्म की आड़ सीखी है उस वीडियो के आधार पे हम प्रश्न अभ्यास सीखेंगे। चैप्टर को आप अच्छी तरह से रीड करके इसके बाद वीडियो को सुन के फिर आप प्रश्न अभ्यास सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये हमारा मौखिक अभ्यास है, तो मौखिक अभ्यास में आपको यहाँ से सॉल्व करवाती हूँ, तो इसके आधार पर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये मौखिक अभ्यास वाले जो 5 क्वेश्चन है वो लिखने नहीं आपको, बस ऐसे समझने के लिए है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। फर्स्ट है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो हम चैप्टर में देखा कि धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है, तो धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिद की जाती है और लोगों को एक दूसरे के प्रति घृणा या नफरत की भावना रखनी सिखाई जाती है, ऐसा सब हो रहा है धर्म के नाम पर। नेक्स्ट, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए, मतलब कि जो ये धर्म का व्यापार चल रहा है हमारे देश में, सभी स्टेट, सभी गांव, सभी जो बड़े बड़े शहर है, सभी जगह ये धर्म का व्यापार हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उसका विरोध किया जाना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या है, ध्यान से सुनो, कि साहस और दृढ़ता के साथ, मतलब विरोध तो किया जाना चाहिए रोकने के लिए, धर्म का व्यापार जो हो रहा है उसे रोकना है हमें, तो विरोध कैसे विरोध करेंगे, पर साहस से और दृढ़ता से। जो साहस से विरोध नहीं करेंगे तो थोड़ा कुछ आगे जाएंगे रोकने के लिए, फिर हमें पीछे रह जाना पड़ेगा, तो साहस और दृढ़ता के साथ उसका विरोध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। तो जैसे चैप्टर में लेखक ने बताया था कि स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था कि जिस दिन, देखो, धर्म के नाम पर क्या किया, धर्म के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में मुल्ला, मौलवियों तथा धर्मचारियों को स्थान दिया कि ये आप, ये धर्म को आप संभालो, ये धर्म को आप संभालो, वही दिन सबसे बुरा था, क्योंकि जिसको संभालने दिया ना वो ही ऐसे धर्म को लेके बैठ गई, फिर जो ना समझ लोग हैं, असाधारण लोग हैं, वो ये धर्म को ले पकड़ के उसके आगे कर दिया, इसलिए ये सबसे बुरा दिन था कि जिस दिन मुल्ला, मौलवियों तथा धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया था, वही दिन सबसे बुरा था स्वाधीनता में। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर बैठ कर, तो साधारण से साधारण आदमी के दिल में क्या बात है कि धर्म और ईमान के नाम पर अपने प्राण तक दे देना, जो ना समझ लोग है, हमें चैप्टर में देखा था, लेखक ने बताया वैसे, जो ना समझ लोग है वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर देगी, अपने प्राण तक दे देना, ये तो लोग बिल्कुल अच्छी तरह उचित है, बिल्कुल उचित है कि साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात घर कर गई है कि इमाम और धर्म के नाम पर प्राण तक दे देना बिल्कुल उचित है। लास्ट, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है, जो बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह है, धर्म किसे बोलना चाहिए वो क्या है, कि शुद्ध आचरण, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, और एवं सदाचार, ये दो है धर्म के स्पष्ट चिन्ह। तो धर्म किसे कहा जाता है, ये हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म, दोनों धर्म के आपस में झगड़े, ये सब नहीं होना चाहिए। स्पष्ट चिन्ह क्या है, शुद्ध आचरण, सबके साथ अच्छे से आचरण करो, सभी एक मिट्टी से बने हुए लोग हैं, शुद्धाचरण एवं सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। ये हमें जानने के लिए थे मौखिक क्वेश्चन आंसर। अब है हमें जो एक्सरसाइज में लिखना है हमारे हिंदी नोटबुक में, तो वह है, यहाँ से आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए।
चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर कुछ अनपढ़ और मूर्ख लोगों की शक्तियों एवं उत्साह का दुरुपयोग करके अपना स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, जिससे उसका नेतृत्व एवं सत्ता बनी रहती है। जो लोग चलते पुरजे लोग हैं, धर्म में आगे रखे हुए लोग हैं, वो अपने पीछे वाले जो अनपढ़ लोग हैं, मूर्ख है, ना समझ लोग हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं धर्म के नाम पर, और फिर वो नेतृत्व की सत्ता उनकी बनी रहती है जो लोग पीछे अनपढ़ और मूर्ख उनके पीछे रखते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर ये चलते पुरजे लोग ये करते हैं कि ना समझ लोगों को पीछे करके उत्साह में बढ़ा के उनका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा आप लिखेंगे इसका आंसर में। सेकंड, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? यहाँ भी यही बात बताई है कि जो लोग धर्म में आगे चालाक है, वह लोग साधारण जो आदमी है जो धर्म को समझते नहीं, बस बिल्कुल ऐसे पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो उसके कैसे लाभ उठाते हैं? तो जो साधारण लोग हैं धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। जो साधारण आदमी की धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उसका पूरा लाभ उठाते हैं। और वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो लोग आगे नेतृत्व बना रहे हैं उनकी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते, एक बार आगे कर देते हैं, फिर मरने मारने के लिए आगे छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं चालाक लोग। नेक्स्ट, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? आने वाला अब जो हमारा फ्यूचर है वो धर्म को किस को नहीं टिकने देगा? तो आने वाला समय उन पाखंडियों और ढोंगियों के धर्म को नहीं टिकने देगा। जो पाखंडी है, ढोंगी है, धर्म के नाम पे ढोंग करते हैं, ऐसे जो लोग हैं ना, वो उसे टिकने नहीं देगा आगे वाला समय। क्योंकि पंच वक्त पांच बार नमाज अदा करते हैं एवं जो दो दो घंटे पूजा पाठ करते हैं, पश्चात दिन भर बेईमानी करते फिरते हैं, तो आने वाले समय है ना, वो ये सब जानता ही है। अब जाने धर्म के प्रति दिखावा मात्र करके लोगों को आपस में लड़वाते हैं, तो ये समय धर्म को नहीं टिकने देगा। कि जो लोग नमाज अदा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये करने के बाद वो ऐसा समझते हैं कि ये कर दिया तो हमारे जो बुरे कर्म है वो धुल जाएंगे। नहीं, बुरा जो कर्म है उसका तो बुरा हमें फल मिलने ही वाला है। दिन भर बेईमानी करते हैं, तो ये सब जो धर्म के प्रति दिखावा है वो आपस में लड़वाते हैं, तो ये आने वाला समय उन पाखंडियों और डोंगियों के धर्म को नहीं टिकने देगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? देश की स्वाधीनता के विरुद्ध कौन सा कार्य समझा जाएगा? कोई एक धर्म को मानने वाला, कोई हम सब अलग अलग धर्म में है इंडिया के लोग, कोई एक धर्म को मानने वाला जब दूसरे धर्म को मानने वाले में मामलों में टांग अड़ाएगा, यानी ऐसा तो होता ही है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म में, दो धर्म के अलग अलग लोग बातें करने जब बैठेंगे ना, आपने कभी सुनी होगी, तो ऐसे बोलेंगे एक दूसरे के, जैसे कि कोई मिल्कत की, मतलब कि कोई बंटवारा ना किए करते हो, ऐसे बोलते हैं धर्म के लिए। तो कोई एक धर्म को मानने वाला जब दूसरे धर्म को मानने वाले में टांग अड़ाएगा, तब यह कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। कि हमारे देश में स्वाधीनता क्या है, तो वो बताया था हमें लेखक ने, कि एक धर्म वाला बोले अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने अच्छे कार्य करो, एक दूसरे में टांग मत अड़ाओ, तो वो मेन है, तो वो कार्य विरुद्ध समझा जाएगा। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? हमारे चैप्टर में था कि जो पाश्चात्य देशों में जो धनी लोग हैं और निर्धन है, उसमें क्या अंतर है दोनों में? तो पाश्चात्य देशों में धनी और आकाश को चूमती शानदार इमारत में जो रहते हैं वो धनी लोग, जबकि जो निर्धन लोग हैं, जो झोंपड़ी में रहते हैं, पट्टियों पे रहते हैं, अमीर लोग इन गरीब लोगों की मेहनत का फ़ायदा उठाते हैं, और जो मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत सारी मेहनत करवाते हैं, फिर थोड़ा कुछ दे के उनको विदा कर देते हैं, अथाह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। यहाँ भयानक असमानता या अंतर है। तो पाश्चात्य देशों में ऐसा सब चल रहा है कि
कि बहुत जो शानदार इमारतों में रहते हैं वैसे लोग जो निर्धन है, तो निर्धन तो बेचारे क्या करेंगे, जो लोग बताएंगे वो ऐसा काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, और फिर है ना वो उनको जो कुछ भी देंगे वो उससे संतोष मान के, ऐसी असमानता है, ये भयानक असमानता है। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं, तो वो चैप्टर में लेखक ने हमें बताया कि जिनका आचरण अच्छा है वो ही अच्छा है ना, भले कोई भी धर्म है पर जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखता है, जो कोई दूसरा दुखी है तो उससे उसको हेल्प करता है, उसके दुख से दुखी होता है, जो अनबढ़ हो किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए अकसाने बुरा समझते हैं, ऐसे लोग धार्मिक लोगों से कई अच्छे हैं, भले ही वे नास्तिक क्यों न हो, भले नास्तिक है वो, ईश्वर में मानने वाला नहीं, अल्लाह में मानने वाला नहीं, पर जो वो बुरा काम करता नहीं इसलिए वो अच्छा है, वो अच्छा आचरण करता है, भले मानता नहीं धर्म में, मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, पर उसका आचरण अच्छा है, शुद्ध आचरण है, इसलिए वह अधिक अच्छा है। ये है हमारे 25-30 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर सिक्स थे। अब है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो ये है धर्म और इमाम के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जाएगा, तो कैसे रोका जा सकता है। तो धर्म और ईमान के नाम पर जाने वाले जो किए जाने वाले भीषण व्यापार है तो कैसे रोका जाएगा, लेखक ने हमें बताया था कि जो लोग अनपढ़ है, जो मूर्ख है, साधारण लोग है, ना समझ लोग है, उसमें पूरी समझ पैदा करनी चाहिए और उसको ये बताना चाहिए उन लोगों को कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आओ, और धर्म के मूल तत्वों के बारे में उनको मतलब समझाना पड़ेगा, और आप धर्म के मूल तत्वों को जानो, ये सब उनको समझाएंगे तभी ये रोका जा सकता है हमारा भीषण व्यापार। बुद्धि पर मार, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार थे, बुद्धि पर मार मान मतलब कि लेखक का मानना था कि पश्चिमी देशों में धनी की मार है, मतलब अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोग, मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनमें क्या अंतर है, तो जो पाश्चात्य देश है पश्चिमी संस्कृति में धन की मार है, भारत पे बुद्धि पर मार है, भारत में बुद्धि या विवेक पर पर्दा डालकर, जो हमारी बुद्धि है लोगों की उस पर पर्दा डाला जाता है, जो मूर्ख असाधारण लोग हैं उन पर, धर्म ईमान ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म वालों के साथ लड़ाया भिड़ाया जाता है। बुद्धि पर मार द्वारा कुछ लोग अपनी महानता मूर्खों को आगे बढ़ाए रखते हैं, तो बुद्धि पर मार यानी कि जो बुद्धि वाले लोग हैं वो जो नए ना समझ लोग हैं तो वो सबको धर्म ईमान ईश्वर आत्मा ये नाम लेके स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको लड़ाया भिड़ाया जाता है। नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए, मतलब समभाव होना चाहिए, सबके ऊपर एक जैसा भाव यानी कि समभाव, चाहे कोई भी धर्म में मानता हो लेकिन वो एक है मनुष्य, लेखक की दृष्टि में धर्मी भावना समभाव, उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो, जिसका मन जिसे चाहे वह धर्म अपनाए सकता है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने तथा ऊंचा उठाने का प्रयास हो, यदि कोई दूसरे धर्म में टांग अड़ाए तो उसे स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। ये भी हमने मौखिक क्वेश्चन आंसर में सॉल्व कर दिया है कि कौन सा मतलब आगे जो स्वाधीनता विरुद्ध समझा जाएगा, तो लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए कि सबके ऊपर समभाव, भले कोई भी धर्म का हो, हमें क्या करना है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध जानना है, और यदि कोई एक दूसरा धर्म वाला दूसरे धर्म को जीने वाले में टांग अड़ाता है तो उसे स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। तो ये धर्म की मूल भावना है, सबके ऊपर समभाव, शुद्धाचरण, सदाचार से जीना। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए, महात्मा गांधी जी ने क्या बताया उस पर प्रकाश डालिए, मतलब कि वो लेखक ने हमें चैप्टर में बताया है कि महात्मा गांधी के धर्म के बारे में क्या थे विचार। तो महात्मा गांधी जी सामाजिक दर्शन में धर्म का सर्वोच्च स्थान, बिना धर्म के वे एक कदम भी नहीं चलते थे,
महात्मा गांधी का धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का था, जो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता था। कोई एक धर्म में मानने वाले नहीं थे गांधी जी, तो उनका प्रकाश ये है कि वो सभी धर्म में समान रूप से, वास्तव में यह मानवीय का धर्म है, बस मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म, ये है गांधी जी के विचार। सबसे संभाव से जीना और मानवीयता पूरा धर्म, पहला धर्म हमारा। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबका कल्याण करने के लिए अपने आचरण को, यानी हमारा आचरण शुद्ध होगा तो सबका कल्याण ही कल्याण है। शुद्धाचरण और सदाचार ये धर्म के स्पष्ट चिन्ह है, ये पहले भी मैंने बताया। सज्जनता व शराफत आचरण की प्रथम कसौटी है। सबके कल्याण एवं सामाजिक हित के लिए आचरण को सुधारना बेहद आवश्यक है। सबका कल्याण करना है तो पहले हमें सुधारना पड़ेगा, हमारा आचरण शुद्ध होना। सामाजिक हित के लिए आचरण को हमें सुधारना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आचरण में सुधार नहीं होगा तो इससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन तथा अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे धर्म की आड़ चैप्टर में जो ये क्वेश्चन आंसर है 25-30 मार्क्स के, ये हमें 6 क्वेश्चन आंसर मिले और 8-5 है, तो ये लिखने हैं हमें। और फिर आगे ये है जो स्पष्ट करना है वो नहीं लिखना हमें। अब आगे है भाषा अध्ययन, यानी कि विपरीतार्थक शब्द है, सुगम का अर्थ है दुर्गम, ये लिखना है हमें। सुगम दुर्गम अपोजिट वर्ड है, धर्म अधर्म, ईमान बेईमान, साधारण का असाधारण बनेगा, सिंपल ही सारे सारे वर्ड सिंपल है, स्वार्थ निस्वार्थ, दुरुपयोग सदुपयोग, नियंत्रित अनियंत्रित, स्वाधीनता पराधीनता। अब आगे है जो हमें मैंने ग्रामर में बताया था, उपसर्ग और प्रत्यय, वो टॉपिक हमारा हो गया है। अब आगे के जो टेस्ट होगा उसमें भी हमें पूछेंगे, पर यहाँ क्या बताया है कि निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बताइए, ये मैंने ग्रामर में सिखाया आपको। तो ला बिला बे बद ना खुश हर गैर, ये जो सारे हमें शब्द मिले हैं वही सारे शब्दों के दो दो उपसर्ग बनाने हैं। तो सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि उपसर्ग हम कहाँ लगाते हैं, शब्द के आगे लगाते हैं। तो ये शब्द है तो उसका उपसर्ग लगा के हमें दो दो शब्द बनाने हैं, तो ये हमें उपसर्ग मिले हैं। अब वो आगे रखेंगे और पीछे नए शब्द बनाएंगे। तो ला है तो इसका ला इलाज, लापरवाह, कुछ भी बनाए दे, दो दो शब्द हमें बनाने हैं। बिला तो बिला वजह, बिला कसूर। आगे है बे तो बेईमान, बेवजह, बेनकद। बद बदसूरत, बदनसीब। ना है, ना उपसर्ग मिला है तो नादानी, ना समझ। खुश, खुशहाली, खुश किस्मत, खुशहाल। हर हरदम, हर साल। गैर शब्द मिला है, गैर कानूनी, गैर हाजिरी। तो ऐसे आप दो दो शब्द लिख देंगे, उपसर्ग आगे रखेंगे, पीछे नए शब्द बनाएंगे। अब है उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय पीछे लगते हैं आपको पता है, मैंने सिखाया ऐसे। तो उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर पांच शब्द बनाइए। तो एक हमें एग्जाम्पल मिला है, उदाहरण देव प्लस त्व तो देवत्व। अब ऐसे ही हम शब्द बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि जैसे मनुष्य प्लस त्व तो मनुष्यत्व, सती प्लस त तो सतीत्व, व्यक्ति प्लस त तो व्यक्तित्व, महत प्लस त्व तो महत्व, प्रभु प्लस त्व तो प्रभुत्व, गुण प्लस त्व तो गुणत्व। ऐसे कई सारे शब्द ऐसे हैं जो त्व प्रत्यय लगा के हम बना सकते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। आगे है निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। संयुक्त यानी जो साथ में है, संयुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया वैसे आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना पड़ेगा। जब जब रीड करते करते जाओगे ऐसे संयुक्त शब्द आपको मिलेंगे, तो वैसे शब्द आप लिखोगे तो ये अपने आप करना है आपको, चलते पुरजे।
तो भी मैं ऐसे बता देती हूँ कि कौन से कैसे शब्द आएंगे, जैसे कि पूजा पाठ हमारे जो पाठ में आते हैं वैसे ही लेने हैं आपको। आप चैप्टर पढ़ोगे अच्छी तरह तो क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह से लिख सकोगे, ऐसे शब्द भी मिलेंगे आपको तो ये भी लिख सकोगे। पूजा पाठ सुख दुख ये संयुक्त है, पढ़े लिखे मन माना भली भांति लड़ाना बिड़ाना स्वार्थ सिद्धि नित्य प्रति ऐसे ऐसे शब्द हमारे चैप्टर में है वो आप लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, भी का प्रयोग करते हुए पांच वाक्य बनाइए। अब यहाँ क्या लिखा है, एक उदाहरण दिया है, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने आप सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, भी लगाना है बस और सेंटेंस बना देने हैं। तो पांच वाक्य आप अपने हिसाब से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, शुद्ध वाक्य बनाएंगे। आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है, तो ऐसे आप भी वाले वाक्य पांच बनाएंगे। तो ऐसे आप अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छे से देख लेना, सुन लेना, मैंने एक्सरसाइज जो समझाई वो अच्छे से सुनना, फिर आप चैप्टर को रीड अच्छी तरह से करना, यहाँ पे हमको जो ये शब्दार्थ मिले हैं वो देखना, तो आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। देखो यहाँ उत्पाद है आपकी बुक में, ये सारी एक्सरसाइज है, इसमें से मैं जो बोलूँगी मैंने जो बोला वही लिखना है आपको। उत्पाद तो सबसे पहले ये शब्दार्थ लिख देना, इसके बाद लिखित में जो क्वेश्चन आंसर दो है वो लिख देना, जो ग्रामर समझा है मैंने वो लिख लेना। उत्पाद का उपद्रव और खुराफात होगा, ईमान तो नियत और सच्चाई, जाहिलो जाहिल यानी मूर्ख गवार अनपढ़ को हम जाहिल बोलते हैं, वाजिब यानी उचित उपयुक्त यथार्थ, बेजा तो गलत जो अनुचित है उसे बेवजह बोलते हैं, मतलब बेजा बेजा। अट्टालिकाए जो पश्चिमी देशों में ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएँ हैं तो वो है ऊंचे ऊंचे मकान, प्रासाद यानी महल, जो प्रासाद है ना वो ये संस्कृत शब्द है पर इसका अर्थ भी अट्टालिकाई का अर्थ प्रासाद ही भी बनता है। साम्यवाद तो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। बोल्शेविज्म तो सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था थी। धनाढ्य है तो जो धनवान लोग हैं दौलतमंद है धनाढ्य बोलते हैं हम उसे। स्वार्थ सिद्धि यानी कि अपना पूरा स्वार्थ, जो लोग धर्म में आगे हैं नेतृत्व बजाते हैं वो अपनी स्वार्थ के लिए सिद्धि के लिए जो नासमझ लोग असाधारण लोग हैं उसको आगे कर देते हैं तो वो स्वार्थ सिद्धि है। अनियंत्रित जो नियंत्रण में न हो जो मनमानी करता हो वो अनियंत्रित बोलते हैं हम। धूर्त जो छल कपट पाखंडी उसे हम धूर्त बोलते हैं। खिलाफत खलीफा का पद पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना। मजहबी यानी धर्म विशेष से संबंध रखने वाला। प्रपंच यानी कि छल धोखा जो छल करते हैं कपट करते हैं उसे हम प्रपंच बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ चैप्टर में ऐसे शब्द हैं प्रपंच मतलब कि जो धर्म के नाम पे प्रपंच करते हैं वही। उदार यानी कि महान दयालु ऊंचे दिल वाला। बलमनसा यानी कि सज्जनता शराफत बलमनसाई। कसौटी यानी कि परख करना जांच करना कठोर कसौटी करना। लामजहब जिसका कोई धर्म है, मजहब न हो यानी कि नास्तिक। पर हमारे चैप्टर में नास्तिक को वो जो लोग हैं धर्म के नाम पे डंडे फसाद करते हैं उससे अधिक आगे बता है क्योंकि उसका आचरण सदाचार अच्छा है। लामजहब यानी जिसका कोई धर्म मजहब न हो, जो नास्तिक है वो लामजहब कहलाते हैं, जो ईश्वर और अल्लाह में न मानने वाला यानी कि नास्तिक लामजहब। तो आप ऐसे अपनी एक्सरसाइज अच्छे से नोटबुक में लिख देना। थैंक्स स्टूडेंट।